हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ वेरी डिफरेंट वेरी न्यू रेसिपी ऑफ बिरयानी। दिस इज़ कॉल्ड कल्याणी बिरयानी, वेरी टेस्टी रेसिपी ऑफ दिस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डेगची को स्टव पे रखा है गर्म होने के लिए। स्टव हाई फ्लेम पे है। मैं इसमें वन बॉल ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने का टाइम देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने टू मीडियम साइज अनियन बहुत ही बारीक स्लाइस करके रखे हैं। ये अनियन हमने रेड करके अच्छे से फ्राई करके के निकाल लेने हैं इस ऑयल में से, ताकि हम इसको जब हमने तही लगानी है उस टाइम यूज़ कर सकें, बजाय इसके कि आप किसी और बर्तन को गंदा करें और उसमें ऑयल डालें अलग से और ये अनियन फ्राई कर लें। ईजीएस्ट वे है कि आप पहले ही अनियन अच्छे से फ्राई करके निकाल लें, ताकि हम इन्हें तवों में यूज़ कर सकें। अनियन जो प्यारे गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं, हमारे रिक्वायर्ड कलर में आ गए, तो इसे निकाल के प्लेट में सेपरेट कर लें। अनियन फ्राई करके हमने अच्छे से इसको सेपरेट प्लेट में कर लिया है। अब हमारे पास जो ऑयल है वो ऑलरेडी गर्म है। मैंने इधर थ्री मीडियम साइज अनियन स्लाइस में करके रखी है। इसको आप हमने प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम में। अनियन जो है हमारी बहुत बारीक काटी हुई थी, इसलिए बहुत ही प्यारी सी गोल्डन सी कलर में 5 मिनट में ही आ गई है हाई फ्लेम में से। हमने गोल्डन कलर में किया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 3 to 4 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि बिरयानी में टेस्ट नहीं आता उनके, तो उनके लिए ये टिप है, ये ट्रिक है कि आप जिंजर गार्लिक के पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डाला करें। 3 to 4 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लाजमी बिरयानी में ऐड करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 3 स्पून मैं साल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1 kg राइस ले रही हूँ बिरयानी के लिए, तो इसलिए मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा साल्ट सालन में ऐड करूँगी और बाकी का बिरयानी के उसमें राइस में ऐड करूँगी। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1 kg चिकन है। कोशिश करें कि बड़े पीसेस ले लें। इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको करना है अच्छे से फ्राई अंटिल कि ये प्यारा सा ब्राउन कलर में आ जाए और उसकी सारी हीट स्मेल ख़त्म हो जाए। तो हाई फ्लेम में चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लें। चिकन हमारी ऑल कुक हो गई, ऑल डन हो गई है, प्यारी सी गोल्डन से कलर में आ गई है। जितना प्यारा चिकन का कलर होगा उतनी गोटियाँ ब्यूटीफुल लगेंगी बिरयानी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर में ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 2 स्पून भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर 1.5 स्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 स्पून। होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि कौन सी चीज़ें ऐड की हैं और कितनी क्वांटिटी में ऐड की हैं, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। 1.5 स्पून धनिया पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज टमाटोज ऐड करेंगे स्मॉल साइज में करके लाइट फ्लेम में। इसको आप जब तक कुक करेंगे तब तक हमारे जो टमाटोज हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं, तब तक हम इसे लाइट फ्लेम में कुक करेंगे। जैसे ही हमारे जो टमाटोज हैं वो सॉफ्ट हुए हैं, तो इस तरह से ग्रीन चिली को मिड में से कट करके 4 to 5 ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देंगे। आलू बुखारा 4 to 5 pieces इसमें जाएंगे और ये जाएगा 1 कप बीटन योगर्ट है, अच्छे से बीटन ये इसमें जाएगा और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। योगर्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में से 4 to 5 मिनट कुक होने का टाइम देना है, अंटिल के योगर्ट का पानी और चिकन का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, ये थिक हो जाए। उससे पहले हमने कुछ चॉप मिंट और पार्सले इसमें ऐड करने हैं।
ون مٹھی آپ کہہ سکتے ہو چوپ اور پارسلے ایڈ کر لیں, اچھے سے مکس کر لیں, اور اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم میں ہم نے کک کرنا ہے انٹل کہ یہ گریوی تھک ہو جائے, مسالہ آئل چھوڑ دے اور یہ دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے اچھے سے, اور ساتھ ہی 3 سپون لیمن جوس ہے یہ, ہم یہ اس چکن میں ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر کے 4 to 5 منٹ چکن کو آل ڈن ہونے کا ٹائم دیں گے. 5 منٹس ہماری جو چکن ہے آل ڈن ہے کیونکہ اچھے سے فرائی ہوئی بھی تھی اور جو گریوی ہے وہ بھی تھک ہو گئی ہے, تو ہم اسٹو آف کر دیں گے اور اس کو اسٹو سے اتار لیں گے. جی چکن کی یکھنی کو ہم نے جو سالن پریپیئر کیا تھا اس کو اسٹو سے اتار کے سائڈ پہ رکھ لی ہے, اور اب ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ اپنے رائس کی پریپریشن اسٹارٹ کریں گے. میں نے لیے ہیں 1 kg رائس, اس بال سے میں نے 3 بال یہ بھر کے رائس لیے ہیں. یہ سمپل باسمتی رائس ہے جسے میں پانی میں سوک کر کے رکھا ہے, منیمم آپ نے 30 منٹس لازمی سے سوک کر کے رکھنا ہے, میں 1 آور سوک کرتی ہوں جس سے زبردست سے کھلے سے رائس بنتے ہیں, تو آپ کی چوائس ہے, آپ 1 آور بھی سے سوک کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ پانی سے یہ رائس جتنا میں لیتی ہوں اس سے ڈبل پانی ایڈ کرتی ہوں جب بھی میں رائس پریپیئر کرتی ہوں. ایزیسٹ وے ہے کہ آپ نے اگر 3 بال رائس لیا ہے یا جس بھی آپ نے میئرمنٹ سے رائس لیا اس سے ڈبل آپ پانی ایڈ کریں. تو میں نے اس بال سے ڈبل یعنی 6 بال ایڈ کرنا چاہیے تھا. تو بریانی میں آپ کو پتہ ہے 70% ہم نے رائس کک کرنے ہوتے ہیں, ایک کنی رائس تیار کرنا ہوتا ہے, تو میں نے اس میں 4 بالز پانی ایڈ کیا ہے تاکہ رائس کو ہمیں پانی سے فلٹر نہ کرنا پڑے, رائس اس میں ہی ڈن ہو جائے اور پانی ڈرائی ہو جائے. اس میں میں نے 1 سپون سالٹ ایڈ کرنا ہے, فلیم ہائی پہ ہی ہے. 1 سپون اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ 3 سپون میں نے سالن میں بھی ایڈ کیا ہے, میں نے ٹوٹل 4 سپون ایڈ کرنا ہوتا ہے 1 kg رائس میں, اور جب 1 kg چکن اور 1 kg رائس میں بناتی ہوں تو 4 سپون میں سالٹ ایڈ کرتی ہوں, آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے 3 سپون چکن میں ایڈ کیا تھا اور 1 سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں, یعنی ٹوٹل 4 سپون ایڈ کیے میں نے. اس کے علاوہ یہاں پہ 4 انگریڈینٹس ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں, 1/2 سپون سفید زیرا, 2 سبز الائچی, 2 لونگ اور یہ 3 دار چینی کی اسٹکس ہیں. یہ سب چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے, ساتھ ہی آئل 1 سپون آئل ایڈ کریں گے تاکہ جو رائس ہیں ہمارے وہ کھلے کھلے سے پڑنے. اس کے بعد تھوڑے سے منٹ کے لیف, چاپ لیف اور ہرا دھنیا پارسلے تھوڑے سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کو اچھا سا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے, اس کے بعد اس میں رائس ایڈ کریں گے. پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے, تو اب میں یہ جو رائس جو میں نے پانی میں سوکھ رکھے تھے, آئی ول پٹ آل دیس رائس ان دس واٹر. رائس پانی میں ڈال دیے, اس کو ہلکا سا موو کر لیں اور اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم میں ہم نے کک کرنا ہے تاکہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور 70% ہمارا رائس ریڈی ہو جائے. ہائی فلیم کر کے سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور رائس دیکھے ہمارے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں. 70% ہم نے اسے کک کرنا ہوتا ہے, کمپلیٹ کک نہیں کرنا ہوتا. اب ہم اسے اس دیگچی کو اسٹو سے اتار لیں گے. اب ہم 3rd اسٹیپ میں تہے لگائیں گے اپنی کلیانی بریانی میں. میں نے ایک توا نیچے رکھا ہے, فلیم بالکل لائٹ پہ ہے اور اس کے اوپر میں نے جو اپنی یکھنی بنائی تھی, سالن بنایا تھا چکن کا, وہ رکھ دیا ہے تاکہ ہمارا چکن کا سالن جلے نہیں. نیچے سے تہے لگاتے ہوئے ہم نے اسٹو پہ ہی تہے لگانی ہے. رائس ہم رائس کی ایک لہر اس طرح سے بریانی کے اوپر اسپریڈ کریں گے, اس طرح اس کے بعد پوٹیٹوز. ود آؤٹ پوٹیٹوز بریانی از انکمپلیٹ فار می. آپ چاہیں تو اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں, میں اسے بریانی میں لازمی ایڈ کرتی ہوں. اسے جس زردے کے رنگ کے ساتھ میں نے بوائل کر لیا ہے, تو یہ پوٹیٹوز میں اس لیئر میں ایڈ کر لوں گی, آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں. اس طرح سے اس کے بعد ایک اور لیئر رائس کی, ہاں
उसके बाद हमने इसमें जो हमने अनियन ब्राउन करके रखे थे उसको आप हल्का हल्का सा हैंड से मैश कर लें, और उसके बाद ये हमने अनियन की एक लेयर ऐड करनी है। हाँ, के बाद फिर एक लेयर हमने राइस की ऐड करनी है। याद रखिएगा फ्लेम बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल लाइट फ्लेम में ये स्टफ ऑन है। इसके बाद हमने यहाँ पे बिरयानी का कलर और थोड़ा एसेंस मिक्स करके रखा है, ये हम हाफ इस लेयर पे ऐड करेंगे और हाफ हम नेक्स्ट लेयर पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम थोड़े से मिर्च, पार्सले और ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। और हरे धनिया की लेयर के बाद हमने बाकी जो बचे थे वो सारे राइस डाल के एक और फाइनल लेयर कवर कर ली। अब हमने जो जर्दी करा वो प्योरा एसेंस जो बचाया था वो हम लास्ट लेयर पे कर देंगे कट। और इसके बाद हमने इस देगची के ढक्कन पे एक कपड़ा कवर करके इस तरह से इसको कवर कर लेना है, और इसको हमने 20-25 मिनट का लो फ्लेम पे दम देना है ताकि जब ये इसकी स्टीम फुल भर जाए, भाप निकलनी इसमें भरनी शुरू हो जाए तब हम इसको मिक्स करेंगे। लेकिन अभी हम लाइट फ्लेम में कवर करके 20-25 मिनट इसको दम पे देंगे। आफ्टर 25 मिनट जब इसमें अच्छे से भाप और स्टीम भर गई तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और अब हम साइड से इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त सा हमारी जो कल्याणी बिरयानी है वो रेडी हुई है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अपनी कल्याणी बिरयानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको करते हैं हम डिश आउट। यम यमी, तो हम आराम से केयरफुली करेंगे डिश आउट। सुपर स्पाइसी, सुपर यमी थी, बिल्कुल परफेक्ट ये रेडी हुई है। हर दाना खिला खिला है, आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त ये रेडी हुई है। जी फ्रेंड्स, हमारी कल्याणी बिरयानी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। बेस्ट बिरयानी एवर फॉर बिरयानी लवर्स, ये ज़बरदस्त सी औसम सी ये रेडी हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत इजीली ये तैयार हो जाती है। मैं इसको दही के रायते के साथ और सिंपल समर सैलड के साथ सर्व करने जा रही हूँ। आप भी इंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं इंकरेज होती रहूँ, उसी तरह से अच्छी झटपट बनने वाली रेसिपीज आपके लिए लेके आती रहूँ। मेरे साथ बनाएं डेली की रूटीन की कुकिंग हो या दावतों के लिए इस्तेमाल हो, उसे और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा आसान। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।